हेलो दोस्तों, बार बार कंधा उतरने की जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका समाज में सब लोगों को तो पूरा पता ही नहीं रहता। कई बार तो लोगों को लगता है कि पेशेंट के अंदर कोई देवता आ गया और उसके बाद उसकी तांत्रिक क्रिया कराना स्टार्ट करा देते हैं, और कई बार पता चल जाता है कि कंधा उतर गया, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इसका जड़ से इलाज कैसे होगा। तो बार बार पहलवान के पास जाके और कंधा बिठाते रहते हैं, थोड़े दिनों में खुद ही सीख जाते हैं, फिर खुद ही बिठाने लग जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का जो जड़ से सोल्यूशन है वो नहीं हो पाता। और बार बार कंधा उतरने से बोन लॉस बढ़ता जाता है, ग्लेनोइड का बोन लॉस हो जाता है, जो आपका हिलसेक लीजन है वो बड़ा हो जाता है। आज मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जो बहुत दूर से मेरे पास आए, इनका कंधा कई बार उतर गया था। आइए इनकी स्टोरी आपको शेयर करूंगा। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कुंडल दुबे। कुंडल दुबे जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कर्नूल डिस्ट्रिक्ट बिहार। क्या काम करते हैं आप? मैं CRPF। कैसे कंधा उतरने लग गया था आपका? सर, श्रीनगर में एक बार चोट खाने को, ड्यूटी के दौरान चोट खाने। आप खुद ही कंधा चढ़ा लेते थे या डॉक्टर के पास जाना पड़ता था? डॉक्टर के पास जाना। तो आपने डॉक्टर से पूछा नहीं कि सर इसका कोई जड़ से इलाज है कि मैं ऐसी पूरी जिंदगी चढ़ाता रहूंगा? नहीं सर, बताया था कि इसका इलाज है, लेकिन फिर आप डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे थे ऑपरेशन का? मेरे को टाइम नहीं मिल पाया। आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? सर, मैं श्रीनगर में था तो आपके पास कोई आया था इसके। तो आपको ऐसा नहीं लगा मैं इतना दूर जा रहा हूँ कैमूर में देख के, वहीं पे छोटी मोटी जगह करा लूँ, इतनी दूर क्यों जाऊँ? यहाँ पे सर हमको विश्वास था इसलिए। कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस? कितना दर्द होता है इस ऑपरेशन में? कोई नहीं, कुछ नहीं दर्द। खर्चे के मामले में कैसा है अस्पताल? सस्ता महंगा? कोई और लोग हैं कैमूर के रहने वाले या CRPF के जिनको कंधा बार बार उतर रहा था, आप रिकमेंड करोगे यहाँ आ सकते हैं? यस सर। दोस्तों, इनका एक्सपीरियंस अच्छा रहा है और बार बार कंधा उतरने का जो इलाज है यहाँ पे लटारजेट पद्धति से किया जा रहा है, जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है। पेन तो बिल्कुल होता नहीं है और ऑपरेशन के बाद कंधा नहीं उतरने की एश्योरेंस भी रहती है। अगर आपका कंधा भी बार बार उतर रहा है और आपको समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सा इलाज बेस्ट रहेगा, आप आर्थ्रोस्कोपी कराओगे या लटारजेट कराओगे या किस तरीके के स्क्रू डलेंगे या कितने दिन में रिकवरी होगी, कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर संपर्क करना और हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ओके सर।